रत्नसिंह है एंड इट्स लाइक ग्रेट आज हमारी मूवी की सेकंड सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है जो भूमि त्रिवेदी जी कर रही हैं और ये प्रोमो सॉन्ग है जिसकी रिकॉर्डिंग अभी चली रही है फिलहाल अंदर। ये एक फैशन बेस्ड लव स्टोरी है जिसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कहूँगा एकदम डिफरेंट है पर फुली मसाला फिल्म है। गाने बहुत अच्छे हैं, लाइक रोमांटिक सॉन्ग है, एक दो रोमांटिक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, प्रमोशनल सॉन्ग है जो फैशन वर्ल्ड को डिपेक्ट करता है, फैशन इंडस्ट्री में क्या क्या होता है सब चीज़ें डिपेक्ट करता है। और आई एम श्योर सबको गाने बहुत पसंद आएंगे। इस फिल्म में मैं मेन लीड कर रहा हूँ समीर का जो कैरेक्टर है, ये एक स्टूडेंट लीडर है और आई थिंक अभी के लिए तक काफ़ी है। हम लोग गुजरात के कुछ पार्ट्स में शूट करने वाले हैं, आई थिंक रन ऑफ कच्छ में कुछ पार्ट शूट करेंगे और गोवा में करेंगे, बाकी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर है। थैंक यू। हाय, आई एम अनन्या। किस तरह का किरदार है आपका यस आई हैड यू? कैरेक्टर इज मेन लीड गर्ल, एक्चुअली तो स्टोरी अराउंड मी ओनली एंड दिस कैरेक्टर नेम इज नेहा एंड इज वेरी क्यूट बबली एंड अ नॉर्मल सिंपल गर्ल। Story, I can say it's a fashion-based love story, true love story. Some little bit thrillers also there. Love story के साथ साथ yes I hate you title कुछ अलग है तो क्या कहेंगे title को? वो तो आप लोग movie देखने के बाद ही पता चलेगा, right? आपकी किस तरह की feeling हो रही है आपकी movie आने वाली है? I'm so excited because our unit is so good, it's like a family, so really enjoying. Every part of the this movie, I'm just enjoying. Prakash Sudarshan, and I'm playing the character of Karan in this one. किस तरह का character है आपका? ये बहुत ही powerful character है। मेरे हिसाब से करण इस फिल्म का catalyst है। इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं फिल्म में, काफ़ी सारे incidents हो रहे हैं and he is the man behind bringing out the strength of other characters in the film. और ये कैसे होता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सर, इस फिल्म से कैसे जुड़े आप, कैसे ये फिल्म मिली आपको? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई वाज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन, मैं ऑडिशन देने गया, फिर ऑडिशन हुआ मेरा, होने के बाद मुझसे कहा गया कि ऑडिशन काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है एंड लाइक मोस्ट ऑडिशंस हैपन, देन आई थॉट चलो यार अगर कुछ होगा तो आई विल हियर फ्रॉम देम एंड आफ्टर अ स्पैन ऑफ से 2 months or something, I actually heard from them. They called me and उनके ऑफिस गया और तब कहा कि यार हमें हम अपना किरदार मिल गया करण एंड वी वुड लाइक टू वर्क विथ यू। जी, मेरे हिसाब से ये बहुत ही फिटिंग टाइटल है, जैसी स्क्रिप्ट है, जैसी स्टोरी है और इन किरदारों के साथ इनकी ज़िंदगी में क्या होता है ये उसको दर्शाती है और बेसिक ह्यूमन इमोशंस को फोकस करते हुए ये टाइटल लिखा गया है और बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए आपको हमारी फिल्म देखनी पड़ेगी। बहुत कमाल का वर्क चल रहा है सर, गाने में छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया जा रहा है, इट्स अ ट्रीट टू सिट एंड लिसन टू सच अमेजिंग टैलेंटेड पीपल। हाय, मेरा नाम निखिल सोनके सरिया है, मैं इस फिल्म में एक यूनिक कॉमेडी कैरेक्टर कर रहा हूँ जिसका नाम बास है, कुछ स्पेशल है उसके कैरेक्टर में, वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल अनफील महसूस नहीं करता हूँ, एक्चुअली मुझे कॉमेडी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कुछ इस तरह का यूनिक मिले तो मुझे बेशक बहुत अच्छा लगता है और मैं थैंकफुल अपने डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर का जिनने मुझे ये मौका दिए हैं और बस आप लोगों को देख के ज़रूर अच्छा लगेगा, ज़रूर हंसी आएगी। नहीं, मेरा लाइफ में बहुत ही डिफरेंट सा कैरेक्टर है, मैं बहुत ही अलग हूँ, जैसा मैं फिल्म में कर रहा हूँ मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है ना, एक्टिंग में कैमरे के सामने मुझे कॉमेडी करने बहुत अच्छी। ये फिल्म ज़रूर बहुत अच्छी है, न्यू कमर्स है मूवी में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मूवी किसी भी तरह से कमज़ोर है क्योंकि सब लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है, हमारे डायरेक्टर सर ने, प्रोड्यूसर सर ने, हमारे सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है तो ज़रूर ये मूवी अच्छी चलेगी। जिन्होंने बच्चों को धन्यवाद दूंगी, आप आए हैं यहाँ की रौनक बढ़ाई, आप ही बढ़ाएंगे इस पिक्चर को आगे, मैं तो चाहती हूँ भगवान की कृपा से पिक्चर दौड़े, तो कौन दौड़ाएगा? आप सब, सब ईश्वर की कृपा है, वही सोच देते हैं, वही बुद्धि देते हैं, वही सब देते हैं, यत्न प्रयत्न बच्चों ने किया है, अब ईश्वर आगे बढ़ाएंगे, आपका सहयोग होगा, आप सबका सहयोग होगा जब ये पिक्चर आगे बढ़ेगा। डायरेक्टर बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे क्योंकि अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान ही आगे बढ़ा कर। इस फिल्म के बारे में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वैसे तो सस्पेंस थ्रिलर बहुत सारी फिल्में बनती हैं और हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, बट ये है कि
हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ किसी जोनर की फिल्म ना लगे ये, इसमें कॉमेडी ड्रामा सभी कुछ हो, इमोशन भी हो, तो थोड़ा सा अलग हटके देख रहे हैं हम। डार्क ऑब्वियसली जब फिल्म का जोनर जिस तरह का होता है ना, उस तरह की ऑडियंस को सबसे पहले हमें अट्रैक्ट करना होता है, तो पोस्टर्स ही सबसे पहले अट्रैक्ट कर पाते हैं हम लोग। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरह की ये फिल्म होगी, यानी कि इमोशनल फिल्म नहीं है पोस्टर देख के पता लगना चाहिए, रोमांटिक फिल्म नहीं है पोस्टर देख के पता लगना चाहिए, पोस्टर देख के अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा कि किस तरह की फिल्म है। इसके लिए हमने इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है। किरदार ऑब्वियसली ऑडिशन के बेस पे चुने हैं और काफ़ी ऑडिशन लिया, बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर उनमें फ़ाइनल किया, फिर 10, फिर 5, फिर 4, 3, 2, इस तरीके से बहुत सोच समझ के। और एक्टर इतने कमाल के हैं हमारी फिल्म के कि बहुत अच्छे रूप में लेके जाएंगे फिल्म को, मैं बहुत खुश हूँ। शूट हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली गुजरात में करेंगे इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाद में एक्सटीरियर के लिए हम लोग गोवा जाएंगे खूबसूरती दिखाने के लिए। रिलीज़ नवंबर से दिसंबर, लास्ट दिसंबर नवंबर में कोशिश कर रहे हैं हम लोग की रिलीज़ करेंगे फिल्म को। आई वुड से इट्स एन ऑसम मूवी, इट्स गोना बी एन ऑसम बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन व्हिच हैज बीन पुट इन दिस मूवी, सो वी आर होपिंग आवर बेस्ट एंड यू पीपल विल ऑलवेज ऑल्सो लाइक द मूवी वंस इट्स रिलीज्ड। So we are just waiting and we are waiting, we want your wishes as well for this movie. Hi, mera naam hai Simran Budhara and I'm playing the character of Payal in this movie. Is tarah ki movie hai aur kya play karegi? Ye movie of course suspense thriller hai, to bahut sara suspense hai, bahut sara thriller hai, aur mera jo character hai wo ek bahut hi bubbly ladki ka hai, she is a college going girl. ये एक पैरेलल लीड प्ले कर रहे हैं जो हीरोइन की फ्रेंड बनी हुई है, तो वो एक एक टॉमबॉयज भी है, बबली भी है, तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर आई हैव गॉट। कैरेक्टर आपको किस तरह से मिला, इसके लिए कितनी मेहनत की? मिला तो ऑब्वियसली ऑडिशन से ही, और मेहनत हम रोज़ कर रहे हैं, अब तक कर ही रहे हैं, और रोज़ वर्कशॉप करते हैं और इस कैरेक्टर को और कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब अब तक काम चल रहा है। थैंक यू। पोस्टर आपने फिल्म की किस थीम पे यानी क्या सोच के आपने क्रिएट किया? नहीं देखिए, जैसा कि आपको पोस्टर से लग रहा होगा कि ये एक लव ट्रायंगल कुछ दिखा रहा है इसमें, तो उसके हिसाब से ये कुछ ऐसा इंटरनेशनल लुक देना मुझे ठीक लगा कि भाई कुछ ऐसा यूनिक बनाए जो स्टोरी को जस्टिफाई करे और थोड़ा सा अपीलिंग हो, एज वेल एज कमर्शियल भी हो, इतना ज़्यादा टिपिकल ना हो, तो बस वही कोशिश की है कि थोड़ा कुछ अच्छा बन जाए, तो अच्छा एक लुक आ जाए फिल्म का। तो होपफुली ये आप लोग बताइए कि कैसा बना है, क्या बना है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। जी जी देखिए, डिज़ाइनर का काम ये होता है कि जो अच्छा कर सकता वो बेहतर करना चाहिए, बाकी डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है, वो लुक देख के लग रहा है, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं क्या उसमें होने वाला है, एंड वी आर ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। है ना, काफ़ी किए हैं, उसका नाम क्या बताऊँ मैं, ठीक है चल रहा है, वी आर डूइंग, कोशिश ये रहती है कि अच्छा क्रिएटिव काम कर सकें जितना अच्छा हो सके, भाई हमारा ये होता है कि अच्छी ब्रांडिंग हो जाए फिल्म की जितना अच्छा हो सकता है, तो फिल्म क्या है कैसे क्या है वो जब भाई मेरा काम ये होता है कि इनवाइट कर सकें पब्लिक को, दैट्स इट, एंड वी आर ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। हाय, अंकुर शर्मा। मेरा एक एक नेगेटिव और छोटा सा पॉजिटिव, इन ये दोनों सीक्वल हैं इन दोनों में। अभी एक्चुअली मेरे को स्क्रिप्ट नहीं मिली है, मैं भी बाद में तैयारी करूँगा उसका। ऑडिशन पर काफ़ी तैयारी करी थी। हाँ, काफ़ी बहुत उम्मीद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भारत भूषण है। सर के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, जो मैं डायरेक्टर सर हैं राज सहगल, और मूवी का उन्हें कॉन्सेप्ट बताया तो अच्छा लगा काफ़ी मुझे, जो कैरेक्टर मुझे उसमें मिला है वो भी सुटेबल है मेरी रियल लाइफ से भी, तो मतलब मज़ा आएगा काफ़ी काम करने में। फिल्म को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी फिल्म फ्लोर पे जाए और उसके बाद फिर रिलीजिंग टाइम, ताकि आप सब लोग देखें कि क्या कुछ नया हमने किया है मूवी में। मूवी में जो एक कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, अरमान का नाम है,
उसमें एक ट्राइंगल लव स्टोरी इसमें चल रही है मेरे साथ पैरेलल, तो बस यही चीज़ है। और आप लोग देखिए, काफ़ी इन्जॉय कीजिए मूवी को। इस मूवी में मैं एक सुपर मॉडल का किरदार निभा रही हूँ, और जिसकी यू नो सुपर मॉडल यू नो दैट कि कैसे एक रैंप वॉक एंड ऑल ट्रेंच हो गया। एक्चुअली आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत अच्छा रोल है, और आई होप कि मैं इसको अच्छी ईमानदारी से इसको निभाऊँ। दैट्स इट। तैयारी तो वर्कशॉप होती रहती है, और अच्छा है, आई होप। माल, आई एम लविंग इट। यस आई हेट यू द टाइटल इज, बट आई विल से यस आई लव यू आप सभी को। ये सिर्फ टाइटल है, लेकिन बहुत कमाल की फिल्म बना रहे हैं हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग एक अपना प्रोमो सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो टाइटल सॉन्ग है बेसिकली, और बहुत खूबसूरती के साथ में भूमि ने उसको गाया है। और अभी चीज़ें चल रही हैं ज़ोरों पे, उसका जब फिनिशिंग होकर निकलेगा देन आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा सुन के। और इसके अलावा हम लोग मेकिंग में ऑलरेडी हम लोग बहुत मेहनत कर चुके हैं, स्क्रिप्ट पे बहुत काम किया है, कास्टिंग में बहुत मेहनत किया है, अप्रोप्रिएट कास्ट हो हमने वो कोशिश की है। आप लोगों को मज़ा आए, आप लोगों का कुछ भी समय और पैसा वेस्ट ना हो, हम लोगों ने ऐसी कोशिश की है। तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग सिनेमा घर में हो या फिर घर पे टीवी देख रहे हो, सीट से चिपके रहें, गारंटी हमारी है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना के देंगे हम आपको, ये वादा। ये प्रोडक्ट सर बहुत कमाल की चीज़ है, बेसिकली अ फैशन बेस्ड लव स्टोरी आई मस्ट से। बहुत ग्लॉसी है, बहुत खूबसूरत है, रैम शोज, प्रिंट्स, कैटलॉग्स, ये सारी चीज़ों से भरपूर है, और एक्शन भी है, रोमांस है, कॉमेडी है ऑफकोर्स, और थोड़े इमोशनल सीक्वेंसेस भी हैं। तो कुल मिला के एक पैकेज है जिसकी ज़रूरत हम सभी को है, एक अच्छा सिनेमा हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। कितने गाने ऑल टुगेदर इसमें? 5 सॉन्ग्स हैं टोटल। सिंगर्स जैसे कि कौन कौन? देखिए, जावेद साहब के साथ हम लोगों ने भी गाया है, और अभी रिकॉर्ड किया, और अभी हम लोग भूमि त्रिवेदी के साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे कुछ हमारे 2-3 सॉन्ग्स और बाकी हैं, अगेन कुछ अच्छे सिंगर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं गानों के लिए, तो उसके बारे में आपको जल्दी ही बहुत अच्छे अपडेट्स देंगे। लोकेशंस मोस्टली हम लोग सीनिक ब्यूटी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, शायद देहरादून भी हम जाएंगे, गोवा जाएंगे, मुंबई के कुछ पार्ट्स में शूट करेंगे, गुजरात में शूट करेंगे। बहुत जल्दी, देखिए मैं डेट्स आपको एक्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट मंथ से शूट पे होंगे, फ्लोर पे होंगे। रिलीजिंग की बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी सर, इस फिल्म को जितनी कोशिश हम करेंगे रजिस्टर कराने की हर इंसान तक हम ये चीज़ पहुँचा दें कि यस आई हेट यू नाम की एक चीज़ बन रही है, लोगों को एहसास होना चाहिए। ये टाइटल अपने आप में बहुत प्यारा है, बड़े आसानी से याद हो जाता है, और बाकी हमारा बहुत कुछ इसमें शामिल है, हमारे बहुत एफर्ट्स हैं, हमारी पूरी टीम बड़ी प्यारी है, सारे असिस्टेंट्स एक फैमिली की तरह है, हम लोगों ने जो मिलकर टीम बनाई है, इसमें हर इंसान हर शख्स एक परिवार की तरह है, सब लोग अपना 100% से भी ऊपर दे रहे हैं जिससे इस प्रोडक्ट को बेहतर से भी बेहतर बनाया जा सके। आप सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसमें? नहीं, मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट ले आऊँ कि लोग बोलें कि यार पर्दे के पीछे है कौन, ये इसे सामने लाओ। सर आपकी बात सर आँखों पर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा मैं खुद को एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे कहीं ना कहीं पेश करूं। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू टू। यस आई लव यू। थैंक यू सो मच।